आज बुधवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री ऑफिसर सिंह गुर्जर जनपद पंचायत कोलारस के सबसे दूरस्थ आदिवासी बाहुल ग्राम चिपोल पहुंचे। वहां उनके बात की, उनका हालचाल जाना और शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए मौके पर उनके समस्याओं को सुना और यथासंभव निराकरण किया। ग्रामवासियों ने चर्चा करते हुए उनके लिए पक्के घर के सपने को पूर्ण करने के लिए जो आवास प्लस में शेष रह गए पात्र व्यक्ति है उन्हें भी घर मिले इसके लिए उनके नामों को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास के तहत आवास मिलने की बात कही। श्री गुर्जर द्वारा सभी से अपील की गई है कि वे अपने सभी बच्चों को रोज स्कूल पढ़ने के लिए भेजे। ग्राम छिपोल में अन्य विकास कार्यों के साथ प्रधानमंत्री आवास कार्य का भी निरीक्षण किया। हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया और पक्के घर देने के लिए 24 घंटे आपके बारे में सोचता है की बात कही। साथ में पंचायत समन्वयक अधिकारी उपयंत्री सरपंच सचिव रोजगार ग्राम सहायक समस्त अमला इस दौरान उपस्थित रहा। और चलो गांव की ओर क्या अवधारणा है और इसका क्या आगे अच्छा स्वर्णन जो है अपन को रिजल्ट मिलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट अभी प्रयोग के तौर पे है। इसे हमारे कलेक्टर साहब जब पूरे दिल्ली में चलाएंगे तब इसका वो रूप आपको सामने आएगा। अभी इसका ये है कि आओ चलें गांव की ओर विकास की ओर। इसका मूल उद्देश्य ये रहेगा कि अंतिम पंक्ति के अंतिम पात्र व्यक्ति को उसको शासन की योजना के बारे में जानकारी कैसे हो और वो जिस योजना के लिए पात्र है तो उस व्यक्ति को वो पात्रता कैसे, उसका लाभ कैसे मिले, इस पर हम बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी उसके प्यासा के पास कुआ जाएगा। अर्थात शासन प्रशासन की टीम उस हितग्राही तक जाएगी और उसको शासन की योजना का लाभ दिलाएगी। क्या ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है या? नहीं 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 ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये तो हम मैं मेरा ये अभी जनपद कोलारस में चलाने की एक विचार है जो मैंने कल आपको बताया था। मैं कल गया भी था और आज भी किसी पंचायत में जाऊंगा। मैंने ये अपना एक ध्येय बनाया है कि रोज़ किसी न किसी गांव में जाके और प्रत्येक समाज के समरसता, समाज में समरसता लाते हुए शासन की योजनाओं के बारे में बताएंगे और हमें एक भी पात्र हितग्राही अगर छूटा हुआ मिल जाता है तो हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सकारात्मक भाव के साथ हम जाएंगे उनके पास और जो जिस योजना में पात्र है हम उसे लाभ दिलाएंगे।